गाइस आपका नेट ऑन है और नेट नहीं चल रहा है, नहीं नेट का कोई ऑप्शन आ रहा है, 4G पकड़ रहा है, 5G पकड़ रहा है, कुछ भी शो नहीं कर रहा है। और अगर आप किसी को कॉल मिला रहे तो कॉल नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मैं कॉल मिला के दिखा देता हूँ तो कट जा रहा है, कॉल नहीं मिल रहा है। और आपके पास कोई कॉल करता है तो कॉल भी नहीं आता है। तो इस आप किस प्रकार से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो इसके लिए गाइस इस वीडियो को पूरा देखना है, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में हो जाएगा, 100% होगा। तो जैसे जैसे मैं आपको बताऊँगा वैसे वैसे आपको करते जाना है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर देख लीजिए, मेरा मोबाइल डाटा ऑन था, अभी मैंने बंद कर दिया, दोबारा से ऑन कर लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऊपर शो नहीं कर रहा है, नहीं तो 4G दिखा रहा, नहीं 5G दिखा रहा, कुछ नहीं दिखा रहा, जबकि मेरे 5G मोबाइल है, ठीक है, लेकिन नहीं दिखा रहा। यहाँ पर मैंने एरोप्लेन मोड भी ऑन करके देख लिया है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और यहाँ पर अब मैं आपको दिखा देता हूँ या अब पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा। यहाँ पर जो जो मैं कर रहा हूँ आप भी इनको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ बस मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊँगा मोबाइल में, वो भी करनी है आपको। तो यहाँ पर गई अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, जैसा है वैसा ही दिख रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अभी नहीं हो पा रहा है। तो गई इसके लिए आप करना क्या, आप उस सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद में यहाँ पर आपको जैसे मैं आपको बताऊँ वैसे वैसे आपको करते जाना है। तो मोबाइल नेटवर्क्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर गई जो डाटा सिम है, यहाँ पर आप देख लीजिए सिम वन या टू है। तो आपको जैसे मान लीजिए मेरे सिम वन है तो मैं टू में कर लेता हूँ, तो अभी ऊपर शो नहीं कर रहा है, भाई टू में चल जाए, टू में भी नहीं चल रहा है और सिम वन में भी नहीं चल रहा है। ये गई दोनों सिम जियो की सिम है तो ये नहीं चल पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ इसमें शो भी नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर एक मोर कनेक्टिविटी ऑप्शंस का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करना। यहाँ पर प्राइवेट DNS पर क्लिक करके देख लेते हैं, ऑटोमेटिक है, चलो ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं, इससे वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इस, ठीक है। नीचे नीचे आपको रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क्स एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जो भी सिम सेलेक्ट है आप जो रीसेट करना चाहते हैं, रीसेट करेंगे हमें इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ऊपर वाली मेरी सिम है, तो यहाँ पर रीसेट सेटिंग्स का ऑप्शन है। उसके बाद हम जो भी आपका MPIN है इसमें वो डाल देना है, जो भी पासवर्ड मोबाइल का, ठीक है, वो डालना है। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देना है। यहाँ पर वन टू रीसेट, मतलब ये आप चाहते हैं रीसेट करना तो यहाँ पर आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो नेटवर्क है सेटिंग वो रीसेट हो चुकी है यहाँ पर सक्सेसफुली। इस प्रकार से हम आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया आपको इस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर मोबाइल डेटा का ऑप्शन है, जैसे देख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर हमारा काम हो गया है। तो यहाँ पर कई दूसरी सिम भी है मेरी, वो भी जियो की है, तो इसको भी मैं फटाफट से यहाँ पर रीसेट कर लेता हूँ। उससे पहले यहाँ पर मोबाइल डाटा अगर ऑन करके देख लेता हूँ या कुछ दिखाता है या नहीं दिखाता है, तो नहीं दिखा रहा है अभी। तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रीसेट सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो उससे पहले का यहाँ पर एक बार मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, मोबाइल डाटा ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो गाइस इसके लिए आपको करना क्या है, तो यहाँ पर मैं दोबारा से रीसेट कर लेता हूँ, उसी सिम को कर रहा हूँ। तो जो भी आपके लॉक स्क्रीन का पासवर्ड हो यहाँ पर डालना है और यहाँ पर रीसेट कर देना है, ठीक है। नहीं हो रहा आप दूसरी सिम भी कर सकते करना चाहें, तो पहली नहीं हो रही तो दूसरी में क्या होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों मेरी जियो की सिम है तो वो एक ही बात है, एक कर ली तो अगर उसमें चलना होता तो चल जाता, नहीं चल रहा है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से बैक आता हूँ, बैक आने के बाद मैं अब क्या करना है गाइस यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको, तो गाइस यहाँ से मैं बैक आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ होम स्क्रीन पर। यहाँ पर मोबाइल डेटा को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे देख सकते हैं सब कुछ पहले वाला ही शो कर रहा है। तो चलिए एक बार कॉल मिला कर देख लेते हैं दोबारा से, हो सकता है वो अब चालू हो जाए। तो ये कॉल कट रही है, नहीं मिल रही है, चाहे तो आप किसी और को मिला सकते हैं। यहाँ पर मैं कस्टमर केयर में मिला कर देख रहा हूँ, ठीक है, तो नहीं मिल पा रही यहाँ पर, जैसा कि देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दूसरे मोबाइल से कॉल मिला कर दिखा रहा हूँ, इस पर आप वही सुन रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे मोबाइल से मैं मिला रहा हूँ, यहाँ पर सुन सकते हैं। तो ये या तो बिजी बता रहा है या कि बता रहा है कि नेटवर्क क्षेत्र से बाहर, कुछ इस प्रकार से करेगा या आपको बताएगा, सुन सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कॉल नहीं मिलेगी, दोबारा ट्राई करता हूँ, मैं दूसरे मोबाइल से कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, बिजी बताती है और या कवर क्षेत्र से बाहर कुछ इस प्रकार से बताती है, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है जो भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, नहीं तो कॉल जा रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं नेट चल रहा है। तो गाइस इसका लास्ट एंड फाइनल उपाय है, आपको जो मोबाइल का पावर बटन है ना, ठीक है, इसको आपको स्विच ऑफ करना है मोबाइल को, या यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रॉक्सी है, आप इनको
देखना चाहे देख सकते हैं, नहीं इनको मत छेड़ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हमारा काम है वो यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। आप करना चाहे तो कर सकते, नहीं इनको छोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनमें। तो गाइस आपको लास्ट एंड फाइनल में ऑप्शन बता रहा हूँ, जो पावर बटन है ना इसको आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ठीक है। लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर मैं करके रख लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में आपको जो मोबाइल है यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो करता है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। एक स्विच ऑफ का करेगा, पावर ऑफ जो स्विच ऑफ होता है, एक रिबूट का। तो कोई सा भी ऑप्शन आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल को रिबूट कर सकते हैं, स्विच ऑफ होकर ऑन होगा, या पावर ऑफ भी कर सकते हैं, फिर आपको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने मोबाइल को रिबूट कर लिया है, ठीक है। रिबूट करने के बाद में यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कॉल मिला कर, आओ यहाँ पर कॉल मिल जाएगी आसानी से। और ऊपर देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर ऊपर ऑप्शन भी आ गया है 5G का, जैसा देख सकते हैं हमारा नेट चल चुका है आसानी से। तो इस प्रकार से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सकता है, और यही एक लास्ट एंड फाइनल सोल्यूशन था कि मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करना है। तो वीडियो करना है, लाइक और चैनल करना, सब्सक्राइब।